जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़ पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। और आज का जो एनालिसिस है एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज इसको स्किप मत कीजिएगा। जितने भी ट्यूटोरियल्स है सब देखिए क्योंकि नॉलेज का हब आपको आज देखने को मिलने वाला है। तो आज हम 20 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर द हिंदू के एडिटोरियल्स पर नज़र डालेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6th पेज पर द हिंदू के जो एडिटोरियल है, सबसे पहले यहाँ पर AI की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो ये वाला एडिटोरियल अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, क्या होता है कि ऑर्डिनेंस जो है उसको बार बार ऑर्डिनेंस के तहत ही लाया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देन उसके बाद अगर हम ये देखते हैं इतने इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 7th पेज पर, तो इसमें हमें एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं इंडिया रशिया। अब देखिए इंडिया रशिया जो है उनके बीच में क्या रिलेशंस है, क्या रिलेशन चल रहे हैं, किस तरीके के रिलेशन है, ये एक बारी में तैयार करने के लिए काफ़ी सफिशेंट है। मतलब इंडिया एंड रशिया रिलेशंस ये एक बारी में तैयार करने के लिए है, बाकी बार बार उसमें क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है, बहुत ही बड़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसी कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देन ये अगर हम देखते हैं तो अगेन वही बर्डन ऑफ केयर, यहाँ पर कम्युनिटीज़ पर शेयर करो ऐसा बोला जा रहा है, वही है सब हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें, हेल्थ केयर से रिलेटेड। देन यहाँ पर ह्यूज कॉस्टली मिस्टेक, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स की, तो उसमें 8th पेज पर हमें एडिटोरियल देखने को मिलते हैं यहाँ पर टेस्ट ट्रैक एंड मास्क अप, तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वही सब हो रहा है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो सब। यहाँ पर ये बायोटेक बूस्ट फॉर फार्मिंग, तो ये जो है ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कैसे फार्मिंग में कर रहे हैं उसके बारे में है, तो ये अच्छे तरीके से हम देखेंगे कैसे हम जो GM क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देखेंगे। देन अगेन यहाँ पर हम देखते हैं, ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, मतलब 9th पेज की, तो इसमें हमें अफगान के बारे में देखने को मिलता है। देखिए वही है, अफगानिस्तान जो है वो वहाँ से US सोल्जर्स निकल रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें, वही बातें करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आधार जो है हम जो लिंक कर रहे हैं सभी स्कीम्स को आधार के साथ, तो उसमें यहाँ पर क्या बेनिफिट्स है, देन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसी के साथ बाद में बात हो रही है। यहाँ पर RBI जो है वही कि यहाँ पर RBI जो उनको जो इन्फ्लेशन है वो मेंटेन करना पड़ता है 4+-2 का, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो काम करती है, बाकी एक्स्ट्रा आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो देखने को मिलता है। इसमें यहाँ पर ये देखोगे तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब एक्सप्लेन सेक्शन जो है आज का बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स है जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम देखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में अगर आप देखोगे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितना हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो MM Academy ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। MM Academy ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडियन पॉलिटी बोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, एंशियंट हिस्ट्री बोलिए, एथिक्स बोलिए, इंटरनल सिक्योरिटी बोलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड जो इकोनॉमिक कोर्स है वो चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाएंगे। तो हाइएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, लोएस्ट प्राइजेस इसलिए हैं क्योंकि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो और आराम से बैठकर जो कोर्सेस है उनको देख सकते हो। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप, और ये ऑल इन वन कोर्स है, एक बार अगर आप ले लोगे तो सभी कोर्सेज जो है आप एंजॉय कर सकते हो। और दूसरा जो PDF है, क्योंकि जो माइंड मैप से बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है क्योंकि शॉर्ट में रिविजन हो जाता है, तो माइंड मैप के PDF के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उस मयूर मोगरे भी अगर आप सर्च करते हो टेलीग्राम पर तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम एडिटोरियल देखने वाला है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन द एज ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, ये तो हमें इसे समझ में आता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो निकल कर आता है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है। अगर आप UPSC का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे लेटेस्ट वाला, उसमें भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर क्वेश्चन जो है हमकास पूछा जाता है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले तो ये क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जो कि डील करती है कंप्यूटर्स या फिर मशीन्स बनाने में। मतलब यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स या मशीन जो है उसको हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर्स या मशीन्स हम बना रहे हैं वो उतने इंटेलिजेंट है एज ह्यूमन बींग्स, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स है उतनी ही इंटेलिजेंट हमें ये देखने को मिलता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इंटेलिजेंस शोड बाय मशीन्स, मशीन्स के द्वारा जो इंटेलिजेंस शो किया जा रहा है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं तो बोला जाता है, ऐसी अफवाह है कि ह्यूमन के पास ही इंटेलिजेंस है ना। अब यहाँ पर जब हम एक आर्टिफिशियल मशीन बना रहे हैं वो अगर इसी तरीके का इंटेलिजेंस जो है वो शो कर रही है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके हमें टू सबसेट्स देखने को मिलते हैं अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं तो उसमें हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोट्स जो बनाए जाते हैं, ऑटोमेशन ऑटोमेटेड मशीन्स जो काम करती है ना। आपने देखा होगा कई जगहों पर जो प्लास्टिक सर्जरी है वो भी हमें इसके थ्रू देखने को मिलती है, ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। बहुत सारी मशीन जो है वो ईंटें ऊपर लेकर जाना है या फिर जो गाड़ियों के पार्ट्स है उसको अगर फिक्स करना है तो बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, पैटर्न रिकॉग्निशन, जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसी तरीके से बर्ताव करते रहना, एंड मशीन विजन, ये जो है चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद अप्लीकेशन या फिर एडवांटेजेस अगर हम इसके देखते हैं तो कई सारी जगहों पर इसके अप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, है ना, जो खुद ड्राइव करते हैं, जैसे कि टेस्ला, तो इस तरह की कार्स वो किस पे चल रही है, ऑटोमेशन पे ही चल रही है ना। जो जो सेट पैटर्न उसमें किया गया है उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। देन यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंस जो है, स्मार्ट स्पीकर जैसे कि सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये हमें देखने को मिलते हैं। देन ट्रांसलेशन, अगर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन जो है उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन फेशियल रिकॉग्निशन, अगर हम देखते हैं अपने आप आपका जो फेस है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। देन अगर हम बात करते हैं मेडिसिंस की, तो मेडिसिंस में आर्टिफिशियल सर्जरी सिम्युलेटर, ठीक है, ये यहाँ पर काम आता है। देन मेंटल हेल्थ जो पेशेंट्स के हैं, रेडियो सर्जरी जिसमें ट्यूमर जो है उसको ऑपरेट किया जाता है, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही, बराबर है। उसी के साथ साथ हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी इसका बड़ा योगदान देखने को मिलता है। मतलब एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो कौन सी सॉइल कहाँ पर किस तरीके से है, पूरा उसका सर्वे करना है, ये सारी चीज़ें। देन बिजनेस सेक्टर में भी अगर हम देखते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एजुकेशन सेक्टर अगर हम देखते हैं, अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, अभी जिस तरीके से हम यहाँ पर आपके सामने वीडियोस आते हैं, एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। आपने अगर एक वीडियो देख लिया देन आपको सजेशन में सेम वीडियोस दिखते रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डेटा को यहाँ पर कंपाइल करना एंड इंटेलिजेंट रोबोट्स जो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें साइबर सिक्योरिटी जो उसमें भी योगदान देखने को मिलता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स है ना MM Academy ऐप पर, तो उसमें हमने देखा हुआ है। स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, स्पेस सेक्टर अगर हम देखते हैं, माइनिंग सेक्टर अगर हम देखते हैं, डिफेंस सेक्टर अगर हम देखते हैं, तो ये सब इसके एडवांटेजेस या एप्लीकेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो हमें देखने को मिलते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कंसर्न्स की, देखिए जो भी बहुत बड़े बेनिफिट्स के साथ आता है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंसर्न भी उतना ही ज़्यादा होता है। कंसर्न कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला तो हमें देखने को मिलता है जॉब लॉस। जो लोगों की जॉब है वो यहाँ पर लॉस हो जाती है। क्यों लॉस होती है, क्योंकि सोचिए कि अगर 100 लोग लग रहे हैं एक जगह पर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन अब 50 लोगों का काम जो एक मशीन ही कर रही है, क्योंकि ह्यूमंस जब काम करते हैं तो उसमें थक रहे हैं, उनको बीच में समझ लीजिए ब्रेक चाहिए होता है, लंच ब्रेक ये सब ब्रेक, मशीन्स तो कंटिन्यूसली काम कर सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 लोगों का काम अगर एक मशीन कर रही है तो लोग जो है 50 लोगों को निकाल दिया जाएगा, उसकी जगह एक मशीन ला दी जाएगी और काम कर रहे हैं 50 लोग, जॉब लॉसेस हुए। देन उसके बाद रोबोट बॉसेस, बहुत सारे ऐसे रोबोट बॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है इसमें, ना ह्यूमैनिटी होती है ना कुछ होता है, प्योरली मशीन है। अगर ह्यूमैनिटी है तो एक जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ नहीं हो पा रहा है करके, बराबर है। दूसरा यहाँ पर ह्यूमन एरर जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है ह्यूमन जो है उनका एरर भी यहाँ पर निकल कर आता है कभी कभार। ह्यूमन एरर की मतलब क्या है कि अगर गलत सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो यहाँ पर जो मशीन्स है, मशीन तो क्या है, मशीन जिस तरीके से इनपुट आप सेट करोगे वैसे आउटपुट दिखाएगी, वो प्रॉब्लम होता है। हाई कॉस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और ह्यूमंस को रेप्लिकेट करने के लिए एथिकल नहीं है, ये भी एक चीज़ आती है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉसिबल एरियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लीकेशन जो है इन इंडिया, इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या क्या होगा,
देखिए ये हम देख रहे हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप यही सारी चीज़ें लिख सकते हो काफ़ी आसान शब्दों में, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको याद रखने में भी काफ़ी आसानी जाती है। सबसे पहले तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन के डिजिटल इंडिया मिशन, बिग डेटा एनालिसिस, देन टारगेटेड डिलीवरी जो है सर्विसेज की, स्कीम्स की, सब्सिडीज की, उसमें लोगों का डेटा रखना, ये सारी चीज़ें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आएगा, वेदर फोरकास्टिंग मॉडल हो जाए कि बरसात होगी या नहीं होगी, धूप पड़ेगी, क्या होगा, यहाँ पर बिग डेटा एनालाइज करना रोड सेफ्टी के लिए, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग सेफ है, NCRB जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका फेशियल रिकॉग्निशन देखना, देन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर फास्टर हो सकता है, यहाँ पर जो हेल्थ केयर है उसको यहाँ पर मॉडर्नाइज करना है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो चैलेंजेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो लैक ऑफ अनेबलिंग इकोसिस्टम्स डेटा कलेक्शन एंड यूजेस के लिए। मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो डेटा कलेक्शन और यूजेस है उसके लिए सही इकोसिस्टम ही बिल्डअप नहीं है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च है उसकी लो इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है, सही इंटेंसिटी नहीं है जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सही ढंग से काम कर सके। जो अवेबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इनसफिशियंट है एक्सपर्टीज में, मैन पावर में, स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज में, हमारे पास एक्सपर्टीज ही नहीं है कि हम उस तरीके रोबोट्स बना सकें। बाहर की दुनिया में अगर आप देखोगे तो जबरदस्त रोबोट्स देखने को मिलते हैं। मैन पावर की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है कि हम बना सकें, स्किल्स नहीं है, हाई रिसोर्स कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, हाई रिसोर्स कॉस्ट। अब जब हाई रिसोर्स कॉस्ट होता है, लो अवेयरनेस होता है, तो फिर यहाँ पर बिजनेस मॉडल जो है सही ढंग से बन नहीं पाता है। अनक्लियर प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड एथिकल रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर बहुत बड़ा एक अड़थड़ा जो है क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रन के इसमें अगर हम देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका किस तरीके से योगदान होता है या फिर डोमिनेंस किस तरीके से कर रहा है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो वीडियो गेमिंग, बच्चे जो है वीडियो गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वीडियो गेमिंग एक उसका डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। चैट फोरम अलग अलग इस पर चैट करते हैं, टिंडर, ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है उसका वो शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है ना, तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोलिए, हाइप क्रिएट की जाती है, ऑनलाइन बुलिंग, हेट स्पीचेस, प्राइवेसी का हनन, ये सारा जो डोमिनेंस है या फिर कंसर्न जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिल्ड्रन के मामलों में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कंसर्न ही है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल है ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जैसे कि एनहांस लिटरेसी को हम प्रमोट कर सकते हैं, सोशल स्किल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वर्चुअल रियलिटी, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो अगर आप किताब में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें तो आपको कैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो है फॉर चिल्ड्रन प्रमोटिंग इट प्रमोट्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रमोट एनहांस लिटरेसी, बाद में कॉमा सोशल स्किल्स, कॉमा लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ दिए जाएंगे, आप कौन सा पढ़ू, कौन सा सही है, कौन सा इंपॉर्टेंट है पता ही नहीं। यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू आप देखिए कितना इजीली आप याद कर पा रहे हो, मतलब सीधा आंखों में बैठ जाएगा आपके, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, है ना, सारी चीज़ें, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। देन यहाँ पर हमें अब क्या करना चाहिए, बच्चे जो है उनके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइए। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बेस्ट कमेंट रहेगा उसको 5 डेज फ्री सब्सक्रिप्शन जो MM Academy ऐप का वो मिलेगा। अब जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल, उनको 10 डेज का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगा, 10 डेज का, जिन्होंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है उनको 10 डेज का मिलेगा, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनको 5 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है वो दिया जाएगा MM Academy ऐप का। और MM Academy ऐप पर मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो इसलिए आप कमेंट कीजिए क्या आपको लगता है बेस्ट कमेंट मैं चूज़ करूँगा और उनको यहाँ पर वो जो चीज़ है वो मिलेगी, 5 डेज फॉर अनसब्सक्राइब्ड सब्सक्राइबर्स एंड 10 डेज फॉर सब्सक्राइब्ड सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस यही गिव अवे है जो मैंने आपको बोला था टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट यहाँ पर, और हाँ, इसका जो रिजल्ट है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो रिजल्ट है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कल, तो टेलीग्राम पर कल नहीं परसों मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रात को कल सुबह भी लेक्चर देखते हैं, तो सबको मौका मिले तो परसों मैं आपको रिजल्ट जो है उसका अनाउंस कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो मयूर मोगरे है ना, वहाँ पर इसकी जो PDF है वो भी वहाँ पर मिल जाएगी और रिजल्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। देन यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं हम, ऑर्डिनेंस रूट इज बैड, ऑर्डिनेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रीप्रोमलगेट किए हैं ऑर्डिनेंस, मतलब यहाँ पर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है नेशनल कैपिटल रीजन में उसके लिए। अब यहाँ पर प्रैक्टिस जो है ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस टू मेक लॉज, ऑर्डिनेंस जो है वो लाया जाता है जिससे कि कानून जो है वो बनाया जा सके। अब क्या हो रहा है कि ऑर्डिनेंस को रीइशू किया जा रहा है विदाउट गेटिंग रेटिफाइड बाई द पार्लियामेंट, तो बेसिक मुद्दा क्या है, इसकी वजह से जो चीज़ है न्यूज़ में आई है और इसी वजह से हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये मुद्दा क्या है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ऑर्डिनेंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन में जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो आर्टिकल 123 है, ठीक है, वो यहाँ पर ग्रांट करता है किसको, प्रेसिडेंट को कुछ लॉ मेकिंग पावर्स। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर एक सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें क्या है कि जिसमें यहाँ पर समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर लेजिस्लेचर है एंड यहाँ पर जुडिशरी है। तीनों के काम बटे हुए हैं। जो लेजिस्लेचर है उसका काम है लॉ बनाना, जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एंड जो जुडिशरी उसका काम है कि लॉ कानूनन है या नहीं वो देखना। तो अब यहाँ पर आर्टिकल 123 जो है ये क्या करता है, ये यहाँ पर राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति मतलब एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर पावर देता है कि आप लॉ बना सकते हो। लॉ बनाने की पावर किसको है, लेजिस्लेचर को है, लेकिन यहाँ पर इसको ये पावर जो है वो दी जा रही है, एग्जीक्यूटिव को पावर दी जा रही है, मतलब जो राष्ट्रपति उनको दी जा रही है कि वो यहाँ पर लॉ बना सकते हैं टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। कब ऑर्डिनेंस कब लाया जाएगा, जब पार्लियामेंट जो है उसकी रिसेस चल रही है। रिसेस चल रही है मतलब क्या है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। हमारे पार्लियामेंट में हमें लोकसभा देखने को मिलता है एंड राज्यसभा देखने को मिलता है। लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मेक्स दी पार्लियामेंट। अब यहाँ पर लोकसभा में अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, कानून कैसे बनेगा, बिल इंट्रोड्यूस होगा, दोनों ही हाउस से पास होगा, देन राष्ट्रपति की असेंट मिलेगी, देन वो लॉ में तब्दील हो जाएगा, ये बनेगा एक परमानेंट लॉ। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और अगर हमें कोई कानून बनाने की जरूरत है तो फिर क्या किया जाए, ऐसे सिनारियो में 123 आर्टिकल जो है पावर देता है राष्ट्रपति को कि आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब नॉर्मल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से हम कानून नहीं बना पा रहे हैं। इसका सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट होता है जो एक पार्लियामेंट ने लाए हुए एक्ट का होता है, लेकिन इसका नेचर जो है वो टेम्प्ररी होता है, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ जो है वो कितनी होती है, मैक्सिमम लाइफ होती है 6 months and 6 weeks की। क्यों, क्योंकि क्या है कि जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके बाद जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को बिल के तहत पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा। अगर हमारा पार्लियामेंट जो है उसको पास कर देता है, फिर वो लॉ में, परमानेंट लॉ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और दो जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसके बीच में टाइम पीरियड कितना होता है, 6 months का होता है, ठीक है, 6 months। एंड जब पार्लियामेंट सेशन में आता है उसके बाद 6 weeks का टाइम मिलता है, 6 weeks का टाइम मिलता है। अगर 6 weeks तक पार्लियामेंट ने उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो खारिज हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 months and 6 weeks जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 213 है, जिसमें गवर्नर जो है उसको पावर होती है ऑर्डिनेंस लाने की, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर बायकैमरलिज्म है तो उसमें कोई एक सेशन में ना हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको पॉलिटी के जो सीरीज़ है एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें समझाया हुआ है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को क्या मिलता है, देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है प्रमोलगेट किया जा सकता है व्हेन बोथ दी हाउसेस या फिर आइदर हाउस जो है वो सेशन में ना हो। मतलब लोकसभा है, राज्यसभा है, अब अगर समझ लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सेशन में नहीं है तो कोई हम एक्ट पास नहीं कर सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। लेकिन अगर एक सेशन है, लोकसभा जो है वो अगर सेशन में है लेकिन राज्यसभा नहीं है, तो ऐसे सिनारियों में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि कानून बनाने के लिए, ट्रेडिशनल वे से कानून बनाने के लिए दोनों ही हाउस का सेशन में होना ज़रूरी है, दोनों ही हाउस से बिल पास होना चाहिए। अगर एक ही हाउस सेशन में है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए तब भी हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये इशू किया जा सकता है ओनली ऑन दो सब्जेक्ट जिससे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है, ठीक है, और उसकी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की है। मतलब यहाँ पर ये कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्रिज या टेक अवे नहीं कर सकता है। विद इन 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट ये ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी इशूज़ की, तो इशूज़ क्या क्या निकल कर आते हैं, देखिए कई सारे इशूज़ हैं इसके। सबसे पहला इशू जो हमें देखने को मिलता है वो है कि डिलिबरेटली यहाँ पर लेजिस्लेचर को बाईपास किया जा रहा है। कैसे, अब सोचिए कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें अब राज्यसभा में अगर गवर्नमेंट जो है उनकी मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, अब गवर्नमेंट बनी है, मतलब लोकसभा में तो उनकी मेजोरिटी होगी ही, तो वहाँ से कोई भी बिल जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन समझिए राज्यसभा जो है उसमें अगर उनकी मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा में बिल जो है वो अड़ा हुआ रहेगा, उसमें वो पास नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है कि वहाँ पर डिबेट होगी, ये होगा, वो होगा, इससे बेटर है यार सेशन जब नहीं है ना तब हम फटाफट लॉज लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, प्रेसिडेंट जो है वो सीधा यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएगा, है ना। तो ये बाईपास किया जा रहा है हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रिंगिंग द लॉज को। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का इंफ्रिंजमेंट है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पर एग्जीक्यूटिव जो है उसका काम है कि लॉ को इंप्लीमेंट करना,
लेकिन हमेशा अगर हम इसी से लॉ बनाते रहेंगे या लॉ लाते रहेंगे तो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का हनन है, क्योंकि लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेचर की है। देन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो यहाँ पर मायने रखता है। प्रेसिडेंट जो हैज़ टू एक्ट ऑन द एडर एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑर्डिनेंस जो है ओरिजिनली यहाँ पर कंसीव्ड हुआ था एज इमरजेंसी प्रोविजन, कि इमरजेंसी में ही आप ऑर्डिनेंस लाओ, है ना। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि रोज़ रोज़ का हो गया है, रीइशू कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, ठीक है, ऑर्डिनेंस लाया कि आपको ऑक्सीजन इनहेल करने पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारी पार्लियामेंट जो है वो सेशन में आ गई, ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास नहीं हो पाया, तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। देन फिर से पार्लियामेंट का सेशन जो है वो खत्म हो गया, इतने टाइम पीरियड के लिए वो लॉ नहीं है। देन फिर से पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, सेशन खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पर वही सेम ऑर्डिनेंस जो है उसको रीइशू कर दिया गया कि आपको ये करना। मतलब लॉ जो है सिर्फ तब तक नहीं है जब तक पार्लियामेंट सेशन में है, बाकी टाइम पे हर वक्त ये लॉ जो है वो चल रहा है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जुडिशियल सेफगार्ड्स की, जुडिशियल सेफगार्ड में हमें क्या देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 में कहा, प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है ऑर्डिनेंस लाने का वो चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इमीडिएट एक्शन वॉज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया है ऑर्डिनेंस लाने का, उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि अभी इतना इमरजेंसी नहीं था, क्योंकि ऑर्डिनेंस मतलब क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, लेकिन अभी इतना ज़रूरी नहीं था कि अभी आपने ऑर्डिनेंस लाना है, तो उस पर चैलेंज किया जा सकता है। डीसी वाड़वा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1987, लेजिस्लेटिव पावर जो है ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस, ये इशू की जानी थी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ही। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ का कामकाज हो गया, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में यूज़ होना चाहिए। देन कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है, उसमें बोला गया ऑथोरिटी जो है टू इशू ऑर्डिनेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एंट्रस्टमेंट। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया आपको कोई कंडीशन ही नहीं है, कंडीशंस रहती हैं यहाँ पर, कुछ कंडीशन के तहत ही आपको ऑर्डिनेंस लाना है, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी चला रहे हो आप, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ऑर्डिनेंस का हमें देखने को मिलता है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पूरा ऑर्डिनेंस का इशू। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोविड हॉटस्पॉट की, तो देखिए यहाँ पर आप कोविड हॉटस्पॉट कितना खतरनाक तरीके का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर केसेज है उसकी अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर हॉटस्पॉट है, एंड देन यहाँ पर अगर हम डेथ देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर हॉटस्पॉट चल रहा है ना। तो यहाँ पर नांदेड़ 73% हमें देखने को मिल रही है, एंड दुर्ग 123%। मतलब बेसिकली महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, यहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, बराबर है। तो ये आपको एक जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से पता रहना चाहिए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं बायोटेक बूस्ट फॉर फार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मिंग के बूस्ट के लिए बात की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट है कि जीन एडिटिंग ओपनिंग ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्यूर्स ऑफ हेरिडिटरी डिसीज। क्या है कि यहाँ पर जीन एडिटिंग जो है वो यहाँ पर हेरिडिटरी डिसीज को क्योर करने में मदद करता है। कोई भी अगर कोई पेड़ है, ठीक है, अब पेड़ को अगर हम कोई जीन में तब्दीली कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो वो हेरिडिटरी जो डिसीज़ है जो चलते आ रहे हैं उसको क्योर कर सकता है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे ह्यूमंस में भी अगर हम जीन को एडिट करते हैं तो फिर हमारे जो हेरिडिटरी डिसीजेस हैं कुछ भी हो सकते हैं, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, उसको यहाँ पर क्योर किया जा सकता है। बाय 2019 एरिया जो है अंडर प्रिसाइज एग्रीकल्चर ऑफ जीएम क्रॉप्स वो इंक्रीज हुआ है 112 टाइम्स। मतलब जो जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है। क्या है जीएम क्रॉप्स, ये देखेंगे आगे। इंप्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द फार्मिंग नेशंस। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ये क्या है, है ना। तो ये क्या है, सबसे पहले तो व्हाट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसको अल्टर्ड किया जाता है इस वे में कि हमें डिजायर्ड ट्रेट चाहिए। मतलब समझ लो, अगर मैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो आपको अगर सब कुछ जीन में होता है ना, आपको अगर ऐसा एक बच्चा चाहिए, ठीक है, आप बच्चा चाहिए आपको, और ऐसा बच्चा चाहिए जिसको गुस्सा कभी नहीं आता हो, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो बहुत ही हाई पावर्ड चीज़ याद रख सकता हो, मतलब इन शॉर्ट जो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, ठीक है, ऐसा अगर आप बच्चा चाहते हो, तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपको डीएनए चेंज करना पड़ेगा। उसमें पूरा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये ट्रेट्स मुझे चाहिए, एंड वो कभी बीमारी ना पड़े, उसको कोरोना वायरस का कोई अफेक्ट ही ना हो, तो ये डीएनए में आप चेंज करके सारी चीज़ें कर लो। उसी तरीके से हम पेड़ में भी कर सकते हैं, मतलब हम पौधों में भी कर सकते हैं, हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं, कि क्या है कि प्लांट्स को पर्टिकुलर सेट ऑफ जो वायरस है वो अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम इसमें जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कर देते हैं एंड उसको ऐसा बना देते हैं कि वो इससे रेजिस्टेंस रहे, तो फिर वो उसको बीमारी होगी नहीं, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर 3 आम दे रहा है कोई पेड़, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उसको बोलेंगे कि नहीं तो 100 आम दे,
तो सब आम देगा, हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये हमें देखने को मिलता है, मतलब जीन में मॉडिफिकेशन करके हमको डिजायर ट्रेड्स या क्वालिटी या आउटपुट देखने को मिले, वो हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर कैसे होता है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मतलब सबसे पहले तो ट्रेड जो है वो हमें क्या ट्रेड चाहिए वो आइडेंटिफाई करना, ट्रेड ऑफ इंटरेस्ट, देन उसके बाद आइसोलेट जेनेटिक ट्रेड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये निकाल देना जो ट्रेड्स हमें चाहिए, एंड देन ये इंजेक्ट कर देना हमारे जो एक्चुअल में क्रॉप्स है उसमें। ये हम इंजेक्ट कर लिए, बस हो गया। मतलब समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो बहुत होशियार है, उसके जीन निकाल कर हमने हमारे बच्चे के अंदर डाल दिए, तो मतलब ये भी अब होशियार हो गया, ठीक है। मतलब ऑन हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूँ। देन यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो उसको ग्रो करना, ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखे हैं। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो ये है क्रॉप्स एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट, जिसमें हायर रेजिस्टेंस होता है डिजीजेस को, पेस्ट को, इंसेक्ट्स को। मतलब यहाँ पर क्या बीमारी नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसके जेनेटिक्स में हमने मॉडिफिकेशन किया है। फूड सिक्योरिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रो हमारा अच्छा खासा होगा, अच्छी खासी चीज़ें हमें मिलेगी। देन उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक मतलब इम्प्रूव्ड यील्ड, यहाँ पर यील्ड जो है वो इम्प्रूव होता है, जिससे कि फार्मर की इनकम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, लॉन्गर शेल्फ लाइफ रहती है, वेस्टेज कम होगा, फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट होगा, डिपेंडेंसी जो इम्पोर्ट्स पर वो हमारे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो कंसर्न भी कई सारे हैं। कंसर्न किस तरीके के हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो है जीएम क्रॉप्स एंड बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर्स, इंजुरीज, ऑटिज्म, अल्जाइमर, ये सब हमें देखने को मिलता है। मतलब जीएम क्रॉप जो है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं नेचर से, नेचर से छेड़खानी करने की वजह से ये सारे जो ड्रॉबैक्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एनवायरमेंटल कंसर्न भी देखने को मिलता है, स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, न्यू एंड मोर वल्नरेबल वायरस स्ट्रेन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक कंसर्न भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है जो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। एथिकल कंसर्न्स है, जिसमें यहाँ पर नेचुरल ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर वॉयलेट होती है, मतलब नेचर से छेड़खाड़ हम कर रहे हैं, है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं जीएम क्रॉप्स इंडिया में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो बीटी कॉटन। बीटी कॉटन यहाँ पर जो बुलवर्म अटैक है कॉटन पे जो होता है उसको टैकल करने के लिए बीटी कॉटन यहाँ पर लाया गया, मतलब इसमें जीन में चेंज किया गया है कि ये इसको रेजिस्टेंस रहे, है ना। जॉइंटली डेवलप किया गया है महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी एंड यूएस सीड कंपनी मोनसाटो। 2002 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है GEAC, उसने बीटी कॉटन को अप्रूव किया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन 6 states में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बीटी कॉटन जो है फर्स्ट एंड ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो अप्रूव किया गया है GEAC के द्वारा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है बीटी ब्रिंजल, ये माइको जॉइंटली डेवलप धारवाड़ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव, ये ब्लॉक कर दिया गया 2010 में, इसलिए सिर्फ अभी बीटी कॉटन ही सिर्फ चल रहा है, बाकी इसको भी नहीं किया गया। देन HT मस्टर्ड, ये अगर हम देखते हैं इंडिजीनियसली डेवलप्ड है ट्रांसजेनिक मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरियंट है ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड, डेवलप किया गया है विथ जो बर्स्टर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि यहाँ पर हम जीन जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम, एंड यहाँ पर मस्टर्ड सेल्फ पॉलिटिक प्लांट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इंडिया में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें सिर्फ कॉटन जो है वो यहाँ पर अप्रूव्ड है। देन हम आते हैं मेकेनाइजेशन, यहाँ पर कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स का अलाउ करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है जो अप्रूव करता है, मतलब किसके पास जाएंगे हम कि हमें यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाना है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो कहाँ जाएंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC जो है अपेक्स अथॉरिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये रेगुलेट करती है मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज जो है सभी चीज़ों को, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो GEAC जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ पर टेक्निकल अप्रूवल जो है प्रपोजल्स का वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करें। देन यहाँ पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है ये फाइनल अप्रूवल देती है जीएम क्रॉप्स को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को। देन उसके बाद अगर कंसर्न देखते हैं हम इंडिया में, तो हमें सबसे पहले तो असेसमेंट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर सेफ्टी असेसमेंट जो है ये इनसफिशिएंट है, जिससे कि हार्मफुल इफेक्ट जो है जीएम क्रॉप्स के वो हम पकड़ सकें कि नहीं यार ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जीएम क्रॉप्स के, तो हम जीएम क्रॉप्स नहीं उगाएंगे, इसका असेसमेंट ही हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इंपोर्टेड जीएम क्रॉप्स, मतलब यहाँ पर सफिशिएंट मशीनरी हमारे पास नहीं है कि जो इंपोर्टेड जीएम क्रॉप्स है उनको टेस्ट कर सके, क्या उसका ड्रॉबैक्स है, क्या उसके बेनिफिट्स है वो देख सके। ट्रांसपेरेंसी कंसर्न है कि यहाँ पर क्यों रिफ्यूज़ किया गया है उसको पब्लिक करने के लिए नहीं रहते हैं, क्यों हम इसको अप्रूव कर रहे हैं, क्यों इसको हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पर बताते नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम जो है भी बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले तो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना चाहिए कि रिसर्च हमारी अच्छी हो,
पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो हमारा यहाँ पर रहना चाहिए कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक साथ लाकर हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, एंड फार्मर्स इंटरेस्ट, फार्मर इंटरेस्ट में यहाँ पर काम करना चाहिए विथ टेकिंग द कंज्यूमर्स इनटू अकाउंट। ठीक है, कंज्यूमर्स को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली होगी, और जानने को मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो मैंने आपसे कहा है वो भी रखिए, गिव अवे देखते हैं किसको मिलता है। तो शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।